नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। कहता है वोटर की टीम पहुंची है जबलपुर के पूर्व विधानसभा सीट पर, जहां पर लखन घनघोरिया का कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी फिर से दम लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट का क्या है हाल और क्या इस बार के मुद्दे होंगे, हम जानेंगे यहाँ के वोटरों से। विधायक के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं पूर्व क्षेत्र में। विधायक लखन घनघोरिया जी बहुत अच्छे काम किए हैं। बराबर यहाँ सड़क, पानी, बिजली, हर सुविधा यहाँ से बढ़िया है और कोई चीज़ की परेशानी नहीं। बढ़िया है यहाँ, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। कुलियों में, नालियों में बढ़िया समस्या है यहाँ, कोई परेशानी नहीं। सक्सेना भी आते हैं और लखन घनघोरिया भी काम बढ़िया है लोगों का। हाँ, गरीबों की सुनते हैं भाई, सभी की। और हमारे महल ही के हैं वो, जीत जाएंगे। अब ये नहीं मालूम कौन जीतता कौन हारता, आदमी परेशान है 9-10 साल से भाई, और सब कुछ चूरन दे रहे हैं। और तुम्हारे से ये औरतों को भी ये दूंगा वो दूंगा, कांग्रेस वाले भी, जनता पार्टी वाले भी, कहाँ मिल रहा किसी वालों का? नहीं मिल रहा पैसा। अरे किसी का कुछ नहीं मिल रहा बड़े भैया, हर आदमी मतलब परेशान है आम आदमी। देखिए, पूर्व विधानसभा के क्षेत्र में आम जनता के जो सुलगते मसाइल थे, जैसे भवन है, स्कूल है, कई ऐसी चीज़ों का निर्माण, जो बुनियादी चीज़ें जो है वो उसका निर्माण हुआ है। रोड नाली का विकास की तो गिनती नहीं गिनाई जा सकती, जितने बड़े पैमाने पर लखन घनघोरिया ने पूरी विधानसभा में काम किया है। विकास हुआ है 5-20 साल से, ये पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्य नहीं थे, वो तो लखन भैया ने जब अभी मंत्री मंत्रालय के दौर में और अभी बहुत काम किए हैं। अब शिक्षा वगैरह के बारे में, स्कूल वगैरह के लिए कार्रवाई की जाएगी। लखन भैया से बोला गया है कि जो हमारे यहाँ कुछ स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, उनको हाई स्कूल किया जाए, तो इस सब कार्रवाई की जाएंगी। बस पूरा विकास हो, ट्रैफिक अच्छा हो जाए, स्कूलों में शिक्षा अच्छी हो जाए, थोड़ा ईमानदारी आ जाए, यही सब जो अभी चल रहा है, जो उससे हटके थोड़ा काम। ट्रैफिक की समस्या है जबलपुर के अंतर्गत, ट्रैफिक की समस्या है, कुछ हॉस्पिटलों की आवश्यकता है। और जिस तरीके से उनका एक घोषणा है कि हम पूर्व विधानसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वास्थ्य में काम करने का काम करेंगे, ऐसी उनकी सोच है और हम लोग भी चाहते इस तरीके से काम करें। कहता है वोटर की टीम पहुंची है संस्कार धानी जबलपुर के पूर्व विधानसभा सीट पर, जबलपुर पूर्व, जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के लखन घनघोरिया जीतकर विधानसभा में पहुंचे, 15 महीने की सरकार में वो मंत्री भी रहे, लेकिन इस दौरान इस पूर्व विधानसभा सीट का कितना विकास हुआ यहां की जनता से हम जानेंगे। सबसे पहले बात यहाँ कांग्रेस से करेंगे कि घनी बस्ती का इलाका है पूर्व विधानसभा, मंत्री भी रहे 15 महीने, महत्वपूर्ण सीट है, कितना विकास आप लोगों ने किया, क्या नजर आता है कि वाकई में विकसित हो चुका है पूर्व विधानसभा क्षेत्र? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, सभी लोगों को विदित है कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत दिया था, पर चोरी से सरकार को चुरा लिया। 15 महीने सरकार रही, मंत्री रहे, तो क्या विकास हुआ? जी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बातों पे ही आ रहा हूँ। पर जिस तरीके से आपने कार्यक्रम को चलाने के लिए भूमिका बनाते, मुझे अपनी बात के लिए भूमिका बनाना थी। पर उस 15 महीने की सरकार की जो देन पूर्व विधानसभा में हमारे सम्माननीय विधायक श्री लखन घनघोरिया जी के द्वारा है, ये आप क्षेत्र में घूम के देख सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो हमारी बात है कि जो हमने इस विधानसभा के लिए किया, आप खमापुर क्षेत्र में एक जो बड़ा सामुदायिक भवन बना है, उसके बाजू में DRD की बिल्डिंग बनी है, ये पूरा 4-5 एकड़ का एरिया सालों से, मतलब 20-30 सालों से वहाँ अवैध कब्जे, वहाँ अवैध गतिविधियों का केंद्र बना रहा। उस जगह को व्यवस्थित करके वहाँ 5 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन का बनाना, बाजू में विकलांग सेवा केंद्र बनाना, उसके जस्ट पीछे मिनी स्टेडियम बनाना, ये एक क्षेत्र की बात बताई। इसके बाद रोडों का उन्नयन करना,
गार्डनों को उन्नयन करना, जगह जगह आज जो वार्डों में अलग अलग वार्डों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, ये भी कांग्रेस सरकार के समय की देन थी। आपको याद होगा कि 15 महीने की सरकार में यह स्कीम चालू हुई थी और पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में शायद 6 जगहों पर एक साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ था, जिसमें जबलपुर में एक गाजी में होता और उसी की परिणति कि आप अलग अलग वार्डों में वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं। ये हुई स्वास्थ्य की बात। शिक्षा के लिए मैंने आपको बताया, स्कूल का उन्नयन कराया, ठीक है, स्कूल बन गए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गए, पार्कों का विकास हो गया। कितना विकास हो गया, विधायक जी ने कितना विकास कर दिया और क्यों इस बार जनता उनको वोट देगी? देखिए, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सन 2013 में जब हमारी सरकार भी थी और हमारे माननीय अंचल सोनकर जी विधायक थे, तो ये पूर्व क्षेत्र की एक एक जनता जानती है, बहुत अच्छे से जानती है कि चाहे सामुदायिक भवन हो, रोड हो, नाली हो, या आपका नांदी फाउंडेशन के बाजू से बना हुआ वो बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये जितने भी विकास कार्य किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में माननीय अंचल सोनकर जी द्वारा किया गया है। और जब से जो ये गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि पार्कों का उन्नयन किया गया, सामुदायिक भवन बनाया गया, स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, मैं हमारे माननीय कांग्रेस के मित्र से बस इतना पूछना चाहूंगा, जिस सामुदायिक भवन की वो बात कर रहे हैं उसकी अधिसंरचना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2018 का चुनाव होने वाला था उसके 6 महीना पूर्व उनकी अधिसंरचना की थी, जिस माननीय अंचल सोनकर जी ने उस भूमि को आवंटित कराया था, उस पर भवन बना क्योंकि हमारी सरकार चली गई थी। सरकार जाने का भवन निर्माण माननीय विधायक जी में हुआ, जबकि आज भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिखा। एक भी स्कूल अगर उस वहां चालू हुआ हो तो बहुत बड़ी बात है। आप बोल रहे अव्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। माननीय विधायक जी की जितनी शराब दुकानें हैं वो स्कूल और मंदिरों के बाजू में है, जो वर्तमान विधायक है, क्यों आपने स्कूलों के सामने शराब दुकान खोल के रखी? तो सरकार तो बीजेपी की है ना, ये तो नियम है आबकारी नीति का। आबकारी नीति का अगर नियम होता है, लेकिन आबकारी नीति के तहत जब जनप्रतिनिधि जिस जनप्रतिनिधि का होता है का होता उसको जनता, बीजेपी सरकार पर वो हावी है, बीजेपी सरकार पर हावी नहीं है, वो नियमों पर भारी है। हाँ, धन तंत्र नियम पर भारी है, धन तंत्र पर। क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है विधानसभा का? कोई विकास नहीं हुआ है, भाजपा शासन काल में विकास हुआ था, जब से ये के कहाँ कमी नजर आ रही है? आखिर क्यों पिछड़ा रह गया, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया? जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है ना। सारा विकास इन्होंने किया है, दो नंबर कामों में किया है, अवैध निर्माणों में किया है, दारू सट्टा में किया, और जो वास्तव में विकास होना चाहिए जनता का वो विकास बिल्कुल नहीं किया गया। क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, क्या लगता है? कमी से फोटो विकास फोटो का किया गया है, फोटो से रोडों में जो अंचल सोनकर जी ने घमापुर से चुंगी में चौकी में रोड पास करवाई गई थी 4 लाइन, वो अपनी फोटो बता के बोल रहे मैंने विकास करवाया है। सुभाष वार्ड में हॉस्पिटल अंचल सोनकर जी ने दिया हुआ है, विधानसभा में 3-3 टंकी माननीय अंचल सोनकर जी ने दी है, माननीय विधायक जी ने क्या दिया, हम भी सुनना चाहते हैं कांग्रेस के मित्रों। सर क्या क्या नजर आ रहा है, आप तो पूछिए इन्होंने कि इन्होंने क्या विकास किया, आपकी नजर में, आपके नजरिए में क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई है सरकार, क्या विकास होगा इस बार, क्या चुनाव में मुद्दे? विकास तो हमारे अंचल सोनकर के द्वारा कर दिया गया रहा, इतना विकास किया है उन्होंने कि उन्होंने अपना प्राण तक निछावर करने के लिए टंकी के लिए धरना किया। लेकिन 8 सीटों में से 1 सीट पिछड़ेपन की तो ये कहलाती है पूर्व विधानसभा सीट। पूर्व विधानसभा की परिस्थितियां परिसीमन के बाद चेंज हुई है, कारण यह है कि कहीं ना कहीं एक जाति वर्ग जो है वहां पर अधिक है, उसके कारण यहां पर ये सीट का थोड़ा सा नुकसान हुआ है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही पिछड़ेपन का का कारण है आपको लगता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई साहब, देखिए पूर्व विधानसभा इस शहर की बहुत पुरानी विधानसभा है, आजादी के इतने वर्षों तक कांग्रेस ने कभी पूर्व विधानसभा की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, बड़े बड़े वहां से मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने कभी वहां आम आदमी को। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा इस बार? मैं भाई उसी पे आ रहा हूँ, वास्तव में विकास का कार्य करना वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आज वहां कई संख्या में पानी की टंकी से लेके स्कूल बनाने से लेके सड़कों, विधायक ने कुछ नहीं किया, मौजूदा विधायक ने। देखिए मौजूदा विधायक ने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्यता करा के सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम उन्होंने किया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आप 1.5-3 लाख महिलाएं लाडली बहना जबलपुर से लाभ ले रही है, 1.5 लाख महिला उसमें मुसलमान हमारी बहने हैं, आज एक भी बहन नहीं बोल सकती कि भारतीय जनता पार्टी हमको लाडली बहना का मुसलमान ना होने के कारण। ये अंचल सोनकर ने विधायक रहते हुए विकास किया और सरकार की योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुंच रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, माननीय अंचल सोनकर जी जब विधायक थे, एक हमारा ठक्का ग्राम वार्ड है जो तब से आता है जब से वो विधायक बनते आ रहे हैं,
एक आपको वहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अभी माननीय विधायक लखन गंगोड़िया जी ने पॉली क्लिनिक खोला है वहाँ, अपने मंत्री रहती उसको पास कराया, बन के तैयार है, उसमें डॉक्टर अपॉइंट होने वाले। अब आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, ठक्का ग्राम जैसा वार्ड जो कि जब से आप विधायक हैं तब से वो आपसे जुड़ा हुआ है, बाकी वो वार्ड तो बाद में जुड़े, आपने वहां कौन सा विकास कर दिया? और हमने आपको एक नमूना बताया सिर्फ ये, बाकी उसके बाद ठक्का ग्राम जितनी रोटे हैं पहले और अब में जब आप पांच साल में दोनों सरकारों को देखा आप लोगों ने, क्या आकलन करते हो? सबसे अच्छा आकलन जो हुआ है वर्ण समाधान श्री लखन गंगोड़िया जी के पांच साल के कार्यकाल में जहां रोडे नहीं थे वहां रोड बनाने का काम किया है, जहां पानी की समस्या थी वहां नल लगा के वहां पानी की समस्या दूर करने का काम किया है, जहां पूर्व विधानसभा में जहां गुंडागर्दी आश्रित तत्वों का डेरा लगे रहता उनको समाधान श्री लखन गंगोड़िया पुलिस के माध्यम से सब कम करने का काम किया है। 24 घंटे में से 18 घंटे जनता की सेवा में समाधान श्री लखन गंगोड़िया ने काम किया है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। इन लोगों ने लाडली लक्ष्मी योजना को जो बात किया है उनमें पूर्व विधानसभा कई महिलाएं जो छूटी थी लखन भैया ने सब अपनी स्वेच्छा राशि से उन महिलाओं को मदद की है जी। वो तो कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना का यहाँ सबको लाभ नहीं मिला, विधायक निधि से मदद कर रहे हैं भाई साहब। 3.5 लाख बहनों को शहर में लाभ मिल रहा है, अब मान लीजिए अगर कोई छूट गई है तो सरकार उसके लिए भी चिंता है कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, उन्होंने तो 21 वर्ष कर दिया है कि अगर शादीशुदा नहीं भी है और 21 वर्ष की हमारी बहन है तो उसको भी देंगे। क्या लग रहा है सर, कितना विकास हुआ इस विधानसभा में? भैया इतना विकास हुआ कि भाई साहब कह रहे कि ठक्कर ग्राम को विधायक जी ने दवाई बना दिया है, इतना विकास कर दिया।